महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही देखने को मिला मेले का माहौल। बता दें कि चाचोड़ा का प्राचीन नाम चंपावती है, जो कि ऋषि मुनियों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि मुनियों की नगरी में एक बाग बागेश्वर धाम बागेश्वरनाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर महाशिवरात्रि कर मेले का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि के एक दिन पूर्वी बाग बागेश्वर में भोलेनाथ को अलग ही तरीके से श्रृंगार किया गया था। जहाँ एक और भोलेनाथ के मंदिर को फूलों से सजाया गया था, वहीं श्रृंगार एवं साजसज्जा को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मेला भी लगता है। पहले ये मेला केवल महाशिवरात्रि के दिन ही भरता था, लेकिन अब भी इस मेले को 3 दिन का कर दिया गया है, जिसमें चाचोड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के दुकानदार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस मेले को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। इस दौरान सभी विभागों की अति उत्तम व्यवस्था भी रहती है। चाचोड़ा से ग्राउंड रिपोर्टर शिव नामदेव की रिपोर्ट। तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, और ये बहुत हमारी तो उम्र करीब करीब 59 साल की है। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, ये बहुत छोटे स्तर से चालू हुआ था। अब बहुत अच्छी व्यवस्था और शासन ने इसको घोषित भी कर दिया है। 3 दिन का मेला, शासन की तरफ से अच्छी मदद है और बहुत अच्छा चल रहा है। आगे और क्या अपेक्षा, इस मेले को भ्रत रूप दिया जाए, इस संबंध में शासन से कोई आपकी अपेक्षा? जितना इसको बढ़ाया जाए उतना अच्छा है। आवागमन के लिए बहुत बढ़िया सुविधाएं भी है, रोड भी अच्छी बन गई है। आई सर जी,